गाड़ी में अगर ड्राइवर ना हो तो गाड़ी चलेगी कैसे। हम लोग बचपन में स्मार्ट कार के बात सुने ही थे कि ऐसे कार आएगा जैसे कोई अगर ड्राइवर ना हो वो अपने आप रास्ता देख के वो चले जाएगा। दोस्तों अभी अगर ये गाड़ी के मन में अगर नाम आता है तो पहले टेस्ला का नाम हर किसी के मन में आता है, जो कि टेस्ला ऑटो पायलट मोड, की गार्ड एक्सेस, सुपर चार्ज मोड, ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी के मामले में टेस्ला का नाम हमेशा आगे आता है और बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ऑफर करने वाला गाड़ी ये टेस्ला। दुनिया की हर किसी आदमी को भी पता है टेस्ला का नाम। और दोस्तों हमेशा आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि क्या टेस्ला इंडिया में आने के बाद इस कंपनी को सक्सेस मिलेगा या नहीं, क्योंकि भारत का जो रोड है वो ये स्मार्ट कार हर जगह चलने वाला रोड में से नहीं है। क्या इंडिया में टेस्ला सक्सेस होगा नहीं होगा, उसका सरल सा आंसर नो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत में टेस्ला क्यों सक्सेस नहीं पाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों टेस्ला की अगर बात किया जाए, टेस्ला अगर भारत में सक्सेस नहीं पा सकता उसका बड़ा कारण ये है उसका हाई कॉस्ट प्राइस, क्योंकि भारत में हमेशा लोग सस्ते सुंदर मजबूत गाड़ी ढूंढते हैं। इसलिए आज भारत में मारुति नंबर वन पे है क्योंकि वो सस्ता सुंदर और मजबूत कम प्राइस में अच्छा गाड़ी दे रहा है, तो इसी कारण से टेस्ला यहाँ पे नहीं चलेगा। दोस्तों भारत में तो बहुत सारे लोग हैं गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन उनमें से 70-80% जो लोग हैं वो 5-7 लाख अंदर में जो गाड़ी आता है उसको खरीदने के लिए पसंद करते हैं। इसलिए आज भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में 17 लाख करोड़ का मार्केट होने के बाद भी लोगों का कार का एवरेज बाइंग प्राइस 7.7 लाख ही है, तो वहीं पे टेस्ला का गाड़ी शुरू होता है 60 लाख से। हालांकि ये बात नहीं कि 60 लाख में भारत में गाड़ी नहीं बिक रहा है, 60 लाख में गाड़ी खरीदने वाले बहुत आदमी हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बोला 5-8 लाख खरीदने वाले गाड़ी का कस्टमर भारत में बहुत है, जो कि 60 लाख से 1 करोड़ वाला गाड़ी खरीदने का कस्टमर बहुत ही लिमिटेड है। यही पे टेस्ला बुरी तरह फेल हो सकती है भारत में। और जो 60 लाख के ऊपर गाड़ी खरीदने वाला आदमी है वो हमेशा BMW, ऑडी और जगर को ही खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ये जो तीन नाम देश में स्टेटस और सिंबल के तौर माना जाता है, जो कि टेस्ला का नाम वहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों जैसे BMW, ऑडी और जगुआर ये तीनों भी प्रीमियम गाड़ी बनाते हैं, तो ऐसे हम लोग को कहना गलती होगा कि प्राइस के वजह से टेस्ला यहाँ पर फेल हो सकती है। हाँ ये भी एक कारण है, लेकिन ये एक ही कारण नहीं हो सकता है कि टेस्ला यहाँ पर फेल हो जाए। और हम लोग का भारत में विदेश कंपनियों का गाड़ी के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है वो भी टेस्ला के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। तो दोस्तों नियम के हिसाब से $40,000 से भी ज्यादा कीमत वाला गाड़ी के ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, और जहां पर $40,000 से कम वाला जो गाड़ी है वहां पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जो कि टेस्ला के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। और ये इंपोर्ट ड्यूटी देखते ही अगर टेस्ला अपना मॉडल 3 गाड़ी भी अगर भारत में लाता है जिसका प्राइस अमेरिका में 30-33 लाख है, और यहाँ पर आते ही इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद ये 70-75 लाख तक हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट डबल। इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लोग 30 लाख के गाड़ी खरीदने से पहले बहुत बार सोचेंगे। अगर ये 30 लाख का गाड़ी भारत में 60 लाख में बिकेगा तो लोग पहुँच में ये गाड़ी नहीं होगा। और भारत सरकार का ये भी मानना है टेस्ला चाहे तो भारत में बिजनेस कर सकता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर गाड़ियां भेज सकता है, और ये करने से टेस्ला गाड़ी का प्राइस इतना ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिठाने के लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि ये कंपनी नाराज है, जो कि ये कंपनी अभी इतना पैसा खर्च करना समझदार नहीं सोच रहा है। और हाल ही में एलन मस्क ने भी ये भी क्लियर किए हैं टेस्ला प्लांट ना बिठा के बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करके भारत में अगर भेजेगा और वो कुछ दिन भेजने के बाद वो अपना प्लांट सेटअप करेगा। लेकिन ये हाई इंपोर्ट ड्यूटी के हिसाब से गाड़ी का प्राइस जो डबल हो रहा है उसी हिसाब से वो भारत में नहीं आना चाहते हैं। और एक रीजन देखा जाए, भारत सरकार का जो नारा लोकल फॉर वोकल, ये जो नारा में भारत सरकार चल रहा है जैसे भारत का पैसा भारत के पास रहना चाहिए और भारत का युवा नौकरी करना चाहिए, इसी के तौर मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब स्कीम पे भारत सरकार अपना स्टैंड मजबूत कर रहा है। इसीलिए लोकल ब्रांड को भारत सरकार बहुत ही प्रिफर कर रहा है कि यहाँ पर बढ़ के
लिए, बड़ा होने के लिए। इसीलिए फॉरेन कंपनी को ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाया जा रहा है कि वो भारत तक ना आ पाए, ताकि टाटा महिंद्रा ये सब लोकल कंपनी इंटरनेशनल बने। तो ये भारत सरकार का एक अच्छा डिसीजन भी माना जाता है, क्योंकि लोकल कंपनी अगर बड़ा बनेंगे तो भारत में जितना बेरोजगारी है वो थोड़ा बहुत हल तो हो ही सकता है। अगर ये 30 साल 40 साल अगर ऐसा ही चलता गया, हम भी चाइना के जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। और जहां तक ये भी माना जाता है कि भारत अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहा है, जैसे आप हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत ही सारा इन्वेस्टमेंट ला रहा है। जैसे आप देखिए टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी, ये बड़े बड़े भारतीय कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सब बात तो कुल मिला के बात ये होता है कि भारत सरकार अपना स्वदेशी को प्रमोट करना चाहता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपका राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर दबाइए, ताकि कुछ नया नया वीडियो आ सके तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।